नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। इंसान ने प्रकृति पर विजय पाने के सारे हथकंडे अपना लिए, पर आज भी इंसान ऊपर वाले की इस विशाल संरचना यानी प्रकृति के सामने बहुत बौना नजर आता है। पृथ्वी की संरचना इतनी रहस्यमयी और अद्भुत है कि इसकी गुत्थी को सुलझाना आसान नहीं है। कई बार प्रकृति अपने रौद्र रूप से तबाही मचाकर इंसानों को खौफ ज़दा कर देती है। इन प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप, बाढ़ और सुनामी के साथ एक और ऐसी आपदा है जो किसी सोए हुए दानव की तरह नजर आती है। इनके जागने पर सिर्फ तबाही और नुकसान का मंजर सामने आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्वालामुखी की। दरअसल ज्वालामुखी जमीन पर मौजूद वो प्राकृतिक मुख या दरार है जिससे पृथ्वी के गर्भ में मौजूद लावा, जहरीली गैस और राख का विस्फोट होता है। जमीन के अंदर ताप इतना अधिक होता है कि इससे चट्टान भी पिघल जाती है। ये ज्वालामुखी जहां भी फटते हैं, इनके आसपास के इलाके इनकी जद में आ जाते हैं। ताज़ा मामला फिलीपींस का है, जहां ज्वालामुखी के फट जाने से अफरा तफरी का माहौल है। कई भूकंप के झटके के साथ ये विस्फोट इतना भयानक था कि आसमान में लगभग 50,000 फुट ऊंचा राख का भवंडर देखा गया। इसकी राख राजधानी मनीला तक पहुंची। इसके साथ ही हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा लिया गया है। तो आज विशेष में हम बात करेंगे फिलीपींस के ताल ज्वालामुखी की। जानेंगे आखिर होता क्या है ज्वालामुखी, ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होती है इनकी उत्पत्ति और विश्व में कौन कौन से विध्वंसक ज्वालामुखी मौजूद हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। फिलीपींस के दूसरे सबसे सक्रिय ज्वालामुखी ताल एक बार फिर से धधकने से वहां अलर्ट घोषित किया गया है। ज्वालामुखी से लगातार राख और धुआं निकल रहा है। ताल ज्वालामुखी करीब 40 साल बाद फिर से सक्रिय हुआ है। ताल ज्वालामुखी से राख निकलने, भूकंप के झटकों को देखते हुए आसपास के इलाके को खाली कर लिया गया है। फिलीपींस में विमान सेवाओं पर गहरा असर पड़ा है। आसपास के क्षेत्र में स्कूलों, सरकारी कार्यालयों और फिलीपींस स्टॉक एक्सचेंज को सुरक्षा के लिहाज से बंद रखा गया है। फिलीपींस में एक बार फिर ज्वालामुखी के खतरे से लोगों में भय का माहौल बन गया है। फिलीपींस के सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक ताल ज्वालामुखी रविवार को फट पड़ा। इतना भयानक नजारा था कि आसपास के शहरों में लोगों का मन भय से भर गया। ज्वालामुखी के फटने के बाद करीब 50,000 फीट ऊंचा राख का बादल बन गया। राख के बादल के 50,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने पर आसमान से बिजलियां चमकने की तस्वीरों से लोग हैरान रह गए। फिलीपींस दो टेक्टोनिक प्लेट के बीच में स्थित है। इन प्लेट्स को बोलते हैं, जहां दो प्लेट आपस में मिलती है उनको कन्वर्जेंट बाउंड्रीज बोलते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट्स। और जहाँ दो प्लेट मिलती है तो एक प्लेट नीचे चली जाती है, टेक्टोनिक प्लेट, और एक ऊपर रहती है। वो प्लेट नीचे जाती है तो उसकी मेल्टिंग से लावा बनता है, मैग्मा बनता है। जब मैग्मा ऊपर आता है तो उसको लावा बोलते हैं। तो बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ द फिलीपींस ऑन द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, दिस वॉल्केनिक प्रोसेस टेक्स प्लेस। एंड इफ़ यू सी ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड के जो पैसिफिक, जो हमारा ओशन है, उसके चारों तरफ एक रिंग है जिसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। और इस पे हमारे जो पृथ्वी है उसके मैक्सिमम वोल्केनोस उसी पे स्थित है, और ये एक्टिव वोल्केनोस भी है। ज्वालामुखी विस्फोट इतना भयानक था कि इसकी राख 70 किलोमीटर दूर राजधानी मनीला तक पहुंच गई है। रविवार को सुबह ज्वालामुखी फटने के बाद से अब तक आसपास के इलाकों में 75 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सबसे ताकतवर झटका रिक्टर पैमाने पर 6 अंक का गया है। ताल ज्वालामुखी के फटने के बाद उससे निकली राख और गैसों ने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फैलना शुरू कर दिया। इसके बाद ज्वालामुखी से राजधानी मनीला तक राख के चादर बिछ गए।
ज्वालामुखी के आसपास और बाटन गैस प्रांत में रहने वाले करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। राजधानी मनीला के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से 250 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं। इस एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रोक दी गई हैं। राख के बादलों से 2.5 इंच व्यास तक के लावे के पत्थर गिर रहे हैं। ये पत्थर गोल्फ बॉल से भी बड़े हैं। ज्वालामुखी से राख निकलने और भूकंप के झटकों को देखते हुए नजदीक के इलाके खाली कराए जा रहे हैं। नजदीकी इलाकों में स्कूल और सरकारी कार्यालय बंद हैं। फिलीपींस स्टॉक एक्सचेंज भी एहतियातन बंद रखा गया है। दो मुख्य असर होते हैं। जो फिलीपींस का जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो तो एक ऐसा ज्वालामुखी है जो कई बार आता रहा है, उससे लावा निकलता रहा है। वो एक छोटा वॉल्केनो है तो उससे एक प्रभाव तो पड़ता है आसपास के इलाके में, और अगर वो समुद्र के पास में है या किसी पानी की बॉडी के पास में है तो दूसरा प्रभाव पड़ता है पानी को लेके, और एक तीसरा प्रभाव पड़ता है जो वातावरण पे पड़ता है, वो काफ़ी मेजर होता है। वो जो एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज होते हैं यानी जो जोर से फटते हैं, उनका असर बहुत दूर तक जाता है। दो तरह के हो सकते हैं, एक तो एनवायरमेंटल है, इकोलॉजिकल है, और उसमें क्या है कि और एक सोशल है। तो अगर जो लावा है, अगर ये दो तरह के लावा होते हैं, एक होता है ज़्यादा विस्कस, एक होता है कम विस्कस। जो ज़्यादा विस्कस लावा होता है वो फैल जाता है, जो कम विस्कस लावा होता है वो ब्लास्ट करता है, उसमें से पत्थर भी निकलते हैं, बॉम्ब्स भी निकलते हैं नीचे से रॉक्स के, और वो काफ़ी दूर तक जाते हैं, और उसमें से ऐश भी निकलती है, और वो ऐश पूरे वातावरण में फैल जाती है, जिसकी वजह से वो हमारी प्लांट्स वगैरह जितनी वेजिटेशन उसकी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है, नंबर दो। और जो वातावरण है वो धुंधला हो जाता है, एरोप्लेन वगैरह को आने जाने मुश्किल होती है, लोगों को सांस लेने मुश्किल होती है, और धरती पे एक ऐश की लेयर जम जाती है। ताल ज्वालामुखी फिलीपींस के बाटन गैस प्रांत के तागेते शहर के पास है। ताल ज्वालामुखी लुजोन द्वीप पर स्थित एक ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी मनीला से 70 किलोमीटर दूर दक्षिण में है। यह फिलीपींस का दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 40 से ज्यादा बार विस्फोट हो चुके हैं। इसके क्रेटर में एक ज्वालामुखी झील है जो ताल झील कहलाती है। फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वॉल्केनोलॉजी एंड सीस्मोलॉजी ने ज्वालामुखी की वजह से अलर्ट का स्तर 4 कर दिया है। ये तभी किया जाता है जब स्थिति बेहद खतरनाक हो। इस अलर्ट को तब जारी किया जाता है जब लगता है कि ज्वालामुखी से अगले कुछ दिनों तक और नुकसान की आशंका होती है। आने वाले दिनों में ज्वालामुखी में और घातक धमाके हो सकते हैं। करते क्या है कि वो रॉक्स को बिल्कुल बारीक कणों में तोड़ देते हैं और एक धूल जैसी बन जाती है। वो धूल दूर तक फैलती है। उसका एक बड़ा प्रभाव ये होता है कि अगर वो धूल दूर तक फैल रही है तो उस धूल के कारण सूरज की किरणें पूरी तरह नीचे नहीं आ पाती और वातावरण में एक ठंडापन आ जाता है, तो जिसके कारण जो फसलें या जो आसपास हैं, यानी कि जो सेकेंडरी लॉस है, एक तो प्राइमरी लॉस हो गया कि अगर कोई उस लावा की चपेट में आ गया तो नुकसान हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो गया, मगर एक सेकेंडरी लॉस होता है कि काफ़ी बड़े दूर तक फसलों और वो सब चीज़ों का नुकसान हो जाता है। आशंका है कि अगर ज्वालामुखी से लावा निकला तो ये ताल झील में गिरेगा जिससे सुनामी आ सकती है। इससे पहले जनवरी 2018 में फिलीपींस के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेयन से निकले लाखों टन राख और लावे की वजह से हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पृथ्वी की सतह पर पहाड़ के रूप में मौजूद उस आकृति को ज्वालामुखी कहा जाता है जिसमें अत्यधिक ऊर्जा समाहित होती है। इसके ऊपरी सतह पर एक मुख जैसी दरार पाई जाती है। सक्रिय होने पर इस दरार से गर्म लावा भीषण अग्नि के रूप में बाहर निकलता है जो भयानक तबाही का कारण बनता है। ज्वालामुखी से होने वाले भयानक विस्फोट की वजह से केवल आसपास के इलाके तबाह हो जाते हैं बल्कि बड़ी संख्या में जानमाल का क्षति भी होती है। आइए जानते हैं क्या होता है ज्वालामुखी और ये क्यों फटते हैं।
ज्वालामुखी एक ऐसा पहाड़ होता है जिसके नीचे पिघले हुए लावा का भंडार होता है। जब पृथ्वी के नीचे ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी से पत्थर पिघलते हैं, तब जमीन के नीचे से ऊपर की ओर दबाव बढ़ता है। इससे पहाड़ ऊपर से फटता है, जिसे ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पृथ्वी के भूपटल में स्थित वो स्थान ज्वालामुखी कहलाता है, जहां से पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म पिघली चट्टानें यानी लावा, राख, गैसें और चट्टानों के टुकड़े एक या एक से अधिक सुराखों या छिद्रों के जरिए पहाड़ के ऊपरी सिरे से बाहर निकलते हैं। दो कारण से ज्वालामुखी होते हैं। पृथ्वी की जो मैंने कहा प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स या तो एक दूसरे की तरफ आती हैं तब भी ज्वालामुखी बन सकता है, और जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तब भी ज्वालामुखी बनता है। तो इनको जब पास आती हैं तो कन्वर्जिंग प्लेट्स कहते हैं, और जब दूर जाती हैं तो डाइवर्जिंग और डाइवर्जन प्लेट मार्जिन कहते हैं। तो जो डाइवर्जन प्लेट मार्जिन के ज्वालामुखी होते हैं या जहाँ लावा निकलता है, वो शांत तरह के होते हैं, जैसे आइसलैंड में है, हवाई में है। मगर जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन के ज्वालामुखी होते हैं वो वायलेंट होते हैं, उनसे काफ़ी दूर तक नुकसान होता है। अब सवाल उठता है कि ज्वालामुखी फटता कैसे है और ज़्यादातर इसका सिर ही क्यों फटता है। दरअसल ज्वालामुखी का असीम बल और ऊर्जा पृथ्वी के काफ़ी अंदर से आती है। पृथ्वी का मध्य भाग यानी कोर इतना गर्म है कि वहाँ पत्थर तक पिघल जाते हैं। पत्थर पिघलने के बाद एक गाढ़े तरल मैग्मा में बदल जाते हैं। भयंकर गर्मी की वजह से मैग्मा फूलने लगता है। इसके बाद वो ऊपर उठने लगता है और जमीन के अंदर एक ताल का रूप ले लेता है। ठोस पत्थर मैग्मा के इस ताल पर दबाव डालते हैं। इस दबाव की वजह से मैग्मा ठोस पत्थरों के बीच के दायरों में प्रवेश करता है। इसके बाद मैग्मा पृथ्वी की सतह के ऊपर आता है और फिर अचानक पृथ्वी के बाहर पिघलते हुए पत्थरों में एक विस्फोट होता है और इस तरह ज्वालामुखी फटता है। इस तरह के अचानक विस्फोट होने से लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़ और पत्थर बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एक प्राकृतिक नली द्वारा होता है, जिसे निकास नलिका कहते हैं। लावा धरातल पर आने के लिए एक छिद्र बनाते हैं, जिसे विवर या क्रेटर कहते हैं। लावा अपने विवर के आसपास जम जाता है और एक शंक्वाकार पर्वत बनता है, जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। दरअसल हवा के संपर्क में आने के बाद मैग्मा ही लावा में बदल जाता है। जब मैग्मा बाहर आता है तो वो एकदम गर्म और लाल तरल होता है। बाद में ठंडा होने पर लावा ठोस हो जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह एक तरह से मैग्मा के ऊपर तैर रही है। जहाँ पर उसे जगह मिलती है वहाँ पर वो ऊपर आ जाता है। तो लावा बनने का कारण तो पत्थरों का पिघलना है, और ऊपर आना दरार का मिलना, या जैसे हम प्लम्बिंग का एक समझ लीजिए, प्लम्बिंग है, जैसे प्लम्बिंग में छेद हो गया उससे ऊपर आना है। ये धरती के लगभग 100 किलोमीटर से नीचे ये प्रक्रिया शुरू होती है, जब जो रॉक्स हैं वो इस स्टेज में आती है कि उनकी मेल्टिंग शुरू होती है। मेल्टिंग शुरू होती है तो जो लावा बन जो मैग्मा बनता है नीचे, इस पदार्थ को मैग्मा बोलते हैं, और जब ये पृथ्वी पर आ जाता है तो उसको लावा बोलते हैं। तो मैग्मा जो नीचे बनता है फिर वो किसी फिशर के थ्रू, कोई फ्रैक्चर या कोई ऐसा उसको एवेन्यू मिल जाए, उसके थ्रू ये बाहर आता है। और बाहर आता है तो जैसा कि उसकी विस्कोसिटी कैसी है, कम है ज़्यादा, उस हिसाब से फैलता है। ज्वालामुखी विस्फोट की कई वजह हैं। इनमें भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना, कमजोर भूभाग का होना, गैसों की उपस्थिति और भूकंप आदि शामिल हैं।
दरअसल पृथ्वी का भूगर्भ वहां पाए जाने वाले रेडियोथर्मी पदार्थों के विघटन, रासायनिक प्रक्रमों और ऊपरी दबाव के चलते अत्यधिक गर्म होता है। इस गर्मी की वजह से कोई भी पदार्थ पिघलने लगता है और भूतल के कमजोर भागों को तोड़कर बाहर निकल आता है, जिसकी वजह से ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ज्वालामुखी विस्फोट के लिए गैसों की उपस्थिति, खासकर जलवाष्प की मौजूदगी महत्वपूर्ण है। जब जलवाष्प बनता है तो उसका आयतन और दबाव काफी बढ़ जाता है और वो भूजल पर कोई कमजोर स्थान पाकर विस्फोट के साथ बाहर निकल आता है। इसके अलावा भूकंप से भूपृष्ठ में विकार पैदा होता है और भ्रंश पड़ जाते हैं। इन भ्रंशों से पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद मैग्मा धरातल पर आ जाता है और ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। सामान्य तौर पर तीन तरह के ज्वालामुखी होते हैं। पहला सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, दूसरा सुषुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी और तीसरा मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वे हैं जिनमें समय समय पर विस्फोट होते रहते हैं, यानी जिनसे लावा, गैस और वाष्प निकलती रहती है। वहीं सुषुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी वे होते हैं जो सालों से शांत, सुस्त या सोए हुए जान पड़ते हैं, पर इनके सक्रिय या जागृत होने की संभावना रहती है। ऐसे ज्वालामुखी बहुत खतरनाक साबित होते हैं, जबकि मृत ज्वालामुखी वे हैं जो युगों से शांत हैं, जिनका विस्फोट एकदम बंद हो गया है। ज्वालामुखी देखिए कई क्लासिफिकेशन है। एक तो अगर हम उनकी एज के ऊपर या उनकी एक्टिविटी को ध्यान में रखें तो दो प्रकार के हैं, एक तो एक्टिव और एक इनएक्टिव या डोरमेंट। एक्टिव वो जो आज भी जिंदा है, जिनमें से आज भी लावा निकलता है। इनएक्टिव जो कि डोरमेंट हो चुके, जो स्लीप, अब उनमें कोई संभावना नहीं है लावा निकलने की। दूसरा क्लासिफिकेशन है वो उसकी शेप, कि वोल्केनो की शेप कैसी है। एक होता है कोनिकल सिंडर टाइप, एक होता है कंपोजिट और एक होता है प्लेटो टाइप। तो तीन तरह के होते हैं। तो जो सिंडर टाइप होता है उसमें एक ही इवेंट होता है, उसमें से लावा निकलता है, और जो कम्प्लेक्स है, कंपोजिट है, उसमें कई वेन्यूज होते हैं। ज्वालामुखी प्राकृतिक आपदा है। ज्वालामुखी विस्फोट से प्रचंड ऊर्जा मुक्त होती है जो कई बार आपदा का रूप ले लेती है। इससे सबसे ज्यादा क्षति उन लोगों को होती है जो ज्वालामुखी क्षेत्र की गतिविधियों के समीप रहते हैं। उन्हें संपत्ति और जीवन दोनों का खतरा बना रहता है। भरत सिंह दिवाकर के साथ आकाश पोपली, राज्यसभा टीवी। ज्वालामुखी का नाम सुनते ही भयानक मंजर आंखों के सामने कौंध जाता है। ज्वालामुखी जब जागते हैं तो आसपास कहर बरपा कर फिर से शांत हो जाते हैं। दुनिया में कई ऐसे ज्वालामुखी हैं जो या तो निष्क्रिय अवस्था में हैं या सक्रिय अवस्था में रहकर कहर बरपा चुके हैं। आइए जानते हैं दुनिया के बड़े ज्वालामुखियों के बारे में। दुनिया में ज्वालामुखी की संख्या 15,000 के करीब है, लेकिन इसमें सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या तकरीबन 500 है। सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेट सलाडो है, जिसकी ऊंचाई 6,885 मीटर है। ये एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। वहीं पैसिफिक महासागर में पाया जाने वाला टैमो मैसिफ को दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है। टैमो मैसिफ ज्वालामुखी लाखों सालों से शांत है और महासागर के अंदर स्थित है। दुनिया के विनाशकारी ज्वालामुखी की बात करें तो पोपो कल्टिपेटल ज्वालामुखी का नाम सबसे पहले आता है, जो मेक्सिको में है। ये ज्वालामुखी 5,452 मीटर ऊंचा है और बेहद सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इसे रिंग ऑफ फायर में स्थित सबसे अधिक विनाशकारी ज्वालामुखी कहते हैं। मेक्सिको का कोलिमा ज्वालामुखी, जिसकी ऊंचाई 3,280 मीटर है और जो जलिस्को और कोलिमा की सीमा पर स्थित है, पिछले कई सालों में ये ज्वालामुखी समय समय पर राख और धुआं निकालता रहा है। क्रैकटोआ एक वोल्केनो है जो इंडोनेशिया की बात कर रहा था। इसी तरह से हवाई में माउंट किलोआ वगैरह जो
मगर हवाई वाले शील्ड वॉल्केनो हैं जो ज़्यादा वायलेंट नहीं हैं। हिस्टोरिकली सिसिली में भी ऐसे ही बड़े एग्जांपल्स हैं। वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन जोस शहर के करीब 60 किलोमीटर दूर कोस्टा रिका के बीचों बीच तुरियालबा ज्वालामुखी है। 2016 में इस ज्वालामुखी में भयानक विस्फोट हुआ था। ग्लैरस ज्वालामुखी कोलंबिया के नरीनो में स्थित है। इस ज्वालामुखी में 1993 में हुए हल्के विस्फोट में वैज्ञानिकों के एक समूह और पर्यटकों की मौत हो गई थी। कोलंबिया का ही दूसरा सक्रिय ज्वालामुखी है निवादो डेल रुइस। ये ज्वालामुखी 5,364 मीटर ऊंचा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये लगातार सक्रिय रहता है और राख उत्सर्जित करता है। साल 1985 में हुए विस्फोटों की वजह से 25,000 से अधिक लोग मारे गए थे। चिली में 95 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, उनमें से विलेरिका ज्वालामुखी 1,847 मीटर ऊंचा है और ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है, ये नुकसान तो नहीं क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। ये धरती की सतह जो है टोपोग्राफी वो चेंज होती है, कहीं पर पठार बन जाते हैं, कहीं पर हिल्स बन जाती है वोल्केनोस की, तो ये जो धरती की टोपोग्राफी वो भी चेंज होती है। और नुकसान तो ये है कि भाई एक गर्म पदार्थ बाहर निकल रहा है और उसकी चपेट में जो भी आया वो चीज़ें समाप्त हो जाती है। भारत का बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पे स्थित है। बैरन ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप को पहले मृत ज्वालामुखी माना जाता था, लेकिन 180 साल शांत रहने के बाद इसमें साल 1991, 1994, 95 और 2005 में विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद इससे 2006 तक लगातार लावा निकलता रहा है। उत्तर अंडमान के पूर्व में नारकोंडम ज्वालामुखी सुसुप्त यानी कि निष्क्रिय ज्वालामुखी है। इसकी मुख्य चोटी समुद्र स्तर से लगभग 710 मीटर की ऊंचाई पर है। जून 2005 में इस ज्वालामुखी में कीचड़ और धुआं निकलता देखा गया था। इससे पहले 100 साल तक इसमें कोई गतिविधि नहीं हुई थी। कहा जाता है कि 2004 में सुमात्रा में आए भूकंप की वजह से इसमें विस्फोट हुआ। भारत में ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। भारत में बैरन आइलैंड में 2017 में एक बार वो वॉल्केनो इराप्ट हुआ था। उसके अलावा कोई एक्टिव वॉल्केनो भारत देश के ज्योग्राफिक सीमा में नहीं है। यंग या एक्टिव वॉल्केनो की श्रेणी में केवल बैरन आइलैंड वाला ही केस है भारत के उसमें। इसके अलावा 65 मिलियन ईयर पहले डेक्कन ट्रैप वॉल्केनिज्म जो हुआ, जो कि शांत तरह का वॉल्केनिज्म था, जिसमें उस तरह का बहुत नुकसान हुआ, उसकी रॉक जो बेसाल्ट रॉक है तो वो फैली। इटली का एटना और स्ट्रामबोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसमें हमेशा आग का लावा निकलता रहता है। यही कारण है कि इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका और एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाए जाते हैं। इसी कारण प्रशांत महासागर के क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। दरअसल प्रशांत महासागर के चारों ओर विस्तृत ज्वालामुखीय और भूकंपीय श्रृंखला है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जहां लगभग 450 ज्वालामुखी हैं, जो विश्व के करीब 75% हैं। अब तक इतिहास में सबसे अधिक विनाशकारी ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के कारण ही फटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।